नमस्कार वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मृदुल चंदेल। मनी लॉन्ड्रिंग केस में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने मुंबई के पीएमएलए कोर्ट में दायर 17,000 पन्नों की सप्लीमेंट्री चार्जशीट में अनिल देशमुख को मुख्य अभियुक्त बनाया है। इसके साथ ही महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री के दोनों बेटों का भी इस चार्जशीट में नाम शामिल किया गया है। दरअसल 17,000 पन्नों की इस चार्जशीट में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री एनसीपी विधायक अनिल देशमुख को मुख्य आरोपी बनाया गया है। चार्जशीट में अनिल देशमुख के दोनों बेटों ऋषिकेश और सलील को भी आरोपी बनाया गया है। बता दें कि इस केस में अनिल देशमुख को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है और वो जेल में है। आपको बता दें, मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने महाराष्ट्र के तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख पर भ्रष्टाचार और जबरन वसूली का आरोप लगाया था। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखे पत्र में उन्होंने देशमुख पर पुलिस अफसरों को हर महीने 100 करोड़ की जबरन वसूली करने का टारगेट देने का आरोप लगाया था। इन आरोपों के बाद देशमुख ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। केंद्रीय जाँच ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय इस मामले की जाँच कर रहे हैं। वहीं ईडी ने इसको लेकर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने धन शोधन रोकथाम कानून के तहत 71 साल के अनिल देशमुख से लंबी पूछताछ के बाद 2 नवंबर को उनको गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद से देशमुख जेल में हैं। उनके कुछ सहयोगी भी इस मामले में आरोपित हैं और गिरफ्तार किए गए हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बन रही है वन इंडिया हिंदी के साथ।